शाहजहांपुर में 3 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने 3 सगे भाइयों सहित 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल 8 मार्च 1993 को थाना निगोही क्षेत्र के घाटभोजी गांव में हर्ष फायरिंग का विरोध करने पर शिवकुमार, रतिपाल और मटरू ने अपने एक दर्जन साथियों के साथ मिलकर बंदूक और तवंचे से गोली चलाकर उमराय और रामशरण की हत्या कर दी थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला अपर सत्र न्यायालय में चल रहा था। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने 3 सगे भाइयों सहित 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 3 साल बाद 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट में चर्चा का विषय बनी हुई है। 30 वर्ष के बाद इस मुकदमे का फैसला आया है। 8/3/93 को घटना हुई शाम को 6 बजे। 8/3/93 को 8:30 बजे FIR लिखी जाती है और मृतक जो डबल मर्डर केस हुआ, इसमें जो एक मृतक का जो मामा था, वादी मुकदमा भभूति था, जो ग्राम गोच थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर के अंतर्गत, और उसमें एक घटना स्थल पर मृत्यु हो जाती है और एक का इलाज के दौरान जिला अस्पताल शाहजहांपुर में मृत्यु हो जाती है। विचारण के दौरान 14 गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं अभियोजन के द्वारा, और अभी उसमें 30 वर्ष के बाद न्याय मिलता है। 11 अभियुक्त थे, चूँकि 3 की मृत्यु हो जाती है इसलिए 8 लोगों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 30 आजीवन कारावास से सजा को भी दिया। इसमें भाई भी हैं, सगे भाई जी, सगे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, इसमें अन्य बिरादरियों के जो हैं वो उनके मित्र भी हैं। इस प्रकार से 11 अभियुक्त इसमें बनाए गए थे, जिनका 8 का विचारण हो पाया, 3 के दौरान मृत्यु हो।